Hello everyone, first of all I welcome you in GB coaching, from where you are going to start any of your medical examination preparation. As you know, the journey is not so easy. It is totally based on your hard working, your smart working, your sincerity, your devotion and your planning basically. During this 2 year journey, we will provide you the guidance. We will make you the perfect by which you can fight your examinations. इस 2 year journey के अंदर बेटा आप लोगों को हमें 100% follow करके चलना पड़ेगा. आपको faculties के ऊपर blindly faith करके चलना पड़ेगा. जो homework, जो DPPS, जो questions faculties के through आपको provide किए जाएंगे उसको आपको within time complete करना होगा. जो कोई भी डाउट्स आएंगे उनको लेकर उनको आप लोगों को इंस्टेंटली फैकल्टीज के साथ डिस्कस करना होगा. तो जब 2 साल आप ऐसा करोगे तब जाके आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप उन एग्जाम्स को क्रैक कर पाओ बेसिकली. दूसरा चीज कि इस जर्नी के अंदर अपने आप को एवरीडे सेल्फ मोटिवेट करना होगा. अपने अंदर एक बर्न डिजायर लेके आना पड़ेगा, ठीक है, कि उस गोल को मैं कैसे भी अचीव करूं. आपको सोते जागते उठते बैठते खाते पीते एक ही चीज दिखाई देना चाहिए, दैट इज मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, दैट इज नीट बेसिकली. जब आप इतना कॉन्फिडेंस या जब आपके अंदर ये चीज आ जाएगा तब आप उस मेडिकल एग्जाम को आराम से फाइट कर पाओगे बेसिकली. तो इस जर्नी के अंदर आपकी जो प्लानिंग होगी वो प्लानिंग बहुत मैटर करेगी, बहुत रोल प्ले करेगी बेसिकली. कि 2 स्टूडेंट हैं, एक तो प्लान वे में प्रिपरेशन परफॉर्म कर रहा है और एक ऐसा स्टूडेंट जो अनप्लान वे में प्रिपरेशन कर रहा है, तो द रेट ऑफ सक्सेस या फिर सक्सेस के जो चांसेस होंगे वो स्टूडेंट के ज्यादा होंगे जो कि एक प्लान वे में प्रिपरेशन कर रहा है. जैसे कि आपने नीट ऑप्ट किया बेटा, इस नीट एग्जाम के अंदर जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो 180 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 90 क्वेश्चंस विल कम्स फ्रॉम द बायोलॉजी, 45 क्वेश्चंस विल कम्स फ्रॉम द फिजिक्स एंड 45 क्वेश्चंस विल कम्स फ्रॉम द केमिस्ट्री. ये 180 क्वेश्चन जो होंगे दीज क्वेश्चन विल कैरी द 720 मार्क्स. इन द सेंस कहने का मीनिंग क्या है यार, कि हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है. तो उस स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे वो पूरा 720 मार्क्स का नीट होगा. नीट जो है, नीट इसके टोटल जो क्वेश्चंस होंगे या टोटल जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे वो 3 सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है. तो बायोलॉजी जो होगा इससे 90 क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स जो होगा इससे 45 क्वेश्चन आएंगे एंड केमिस्ट्री जो होगा इससे भी 45 क्वेश्चन आएंगे बेसिकली. तो ऐसे करके भी टोटल जो क्वेश्चन आएंगे नीट के अंदर टोटल दैट इज 180 क्वेश्चन. हर एक क्वेश्चन जो होगा वो 4 मार्क्स का होगा, 4 मार्क्स, तो टोटल जो मार्क्स आएगा दैट इज 720 मार्क्स, ठीक है. तो 720 मार्क्स का जो पेपर है उस पेपर के अंदर मैं बायोलॉजी का रोल बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बेटा अल्टीमेटली आपको मैक्सिमम मार्क्स चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स आपको लेके आने होंगे इस एग्जाम के अंदर. क्योंकि जब तक आप मैक्सिमम मार्क्स नहीं लेके आए हुए, ठीक है, तब तक आपका वो नीट जो होगा वो क्रैक नहीं होगा. तो मैं बायोलॉजी आपको हैंडल करवाऊंगा या फिर पूरा थ्रू आउट द ईयर में बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा. तो मैं आपको नीट के अंदर बायोलॉजी का क्या रोल है, ठीक है, वो फर्दर बताने जा रहा हूँ. बेटा नीट में जो बायोलॉजी का रोल है मैं बताऊं कि 50% जो नीट है इट इज बेस्ड ऑन द बायोलॉजी. क्यों ऐसा बोला है कि 50% नीट बेस्ड ऑन द बायोलॉजी, क्योंकि 360 मार्क्स जो होंगे दे कम्स फ्रॉम द बायोलॉजी. अब बात करते हैं कि बायोलॉजी का जो रोल है नीट के अंदर उसमें 360 जो मार्क्स का कंट्रीब्यूशन है वो 360 मार्क्स जो होंगे वो 2 साल के सिलेबस से आएंगे,
इन द सेंस 11th क्लास बायोलॉजी और 12th क्लास बायोलॉजी। तो 11th क्लास का जो बायोलॉजी होगा वहां से आपको 60% जो क्वेश्चन आएंगे वो 11th क्लास के बायोलॉजी से आएंगे, जबकि 40% जो क्वेश्चन होंगे दे कम्स फ्रॉम द 12th क्लास बायोलॉजी। इन द सेंस कहने का मीनिंग क्या है कि 11th क्लास का जो बायोलॉजी है वो एक बेसिक बायोलॉजी है, वो एक फंडामेंटल बायोलॉजी है, ठीक है, जिसको आपको 100% और अच्छे से फोकस करके चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका बेस अच्छा नहीं हुआ, 11th क्लास आपका अच्छा अगर नहीं हुआ बायोलॉजी, ठीक है, तो आपका 12th क्लास के एप्लीकेशंस आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो बायोलॉजी का यहाँ पे जो पूरा प्लानिंग है, जो चार्ट है बायोलॉजी, वो मैं आपको बता दूं क्या होता है उसमें। यहाँ 360 मार्क्स का होगा। अब इस 360 मार्क्स में से, अब इस 360 को मैं 100% कंसीडर कर रहा हूँ, 100% में से या 60% जो क्वेश्चन है, 60% जो सिलेबस है या 60% जो क्वेश्चन आएंगे दे कम्स फ्रॉम द 11th बायोलॉजी, 11th बायोलॉजी। और 40% जो क्वेश्चन आएंगे या 40% मार्क्स जो होंगे इस 360 में से दे कम्स फ्रॉम द 12th क्लास। तो 11th क्लास का जो बायोलॉजी होगा वो एक बेसिक बायोलॉजी है और एक फंडामेंटल बायोलॉजी है, बायोलॉजी बेसिकली, ठीक है। तो इसके ऊपर बेस्ड होगा 12th क्लास का बायोलॉजी। तो 12th क्लास का जो बायोलॉजी होगा उसके अंदर एप्लीकेशंस होंगे, एप्लीकेशंस। तो बेटा जब तक हमें बेस नहीं मालूम हो तब तक हम एप्लीकेशंस को एनालाइज नहीं कर पाते, ठीक है। तो हम आज से 11th क्लास का बायोलॉजी डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो 11th क्लास का बायोलॉजी जो है आपको पूरा साल फोकस करके चलना है। कहीं कोई चीज अगर समझ में नहीं आता है तो इंस्टेंटली मेरे साथ कॉन्टेक्ट करें, ठीक है, मेरे साथ डिस्कस करें हर चीज को, ठीक है, बिल्कुल फ्रेंकली और फ्रेंडली बिहेव रखें, जैसे फैमिली में आप लोग रहते हो बेसिकली। तो यहाँ मैं पूरा 11th 12th में ना लेकिन मैं क्या फोकस कर रहा हूँ 11th क्लास के ऊपर यहाँ पे। तो 11th क्लास का जो बायोलॉजी होगा उस 11th क्लास के बायोलॉजी को हमने 5 यूनिट्स के अंदर डिवाइड किया, 11th क्लास बायोलॉजी, बायोलॉजी इसको मैंने डिवाइड किया है 5 यूनिट्स के अंदर, यूनिट्स, ठीक है। तो 5 यूनिट्स जो होंगी दे विल कैरी या दे इंक्लूडेड 22 चैप्टर्स, इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे 22 चैप्टर्स बेसिकली, ठीक है। तो ये 22 चैप्टर्स जो हैं इसके अंदर प्लांट फिजियोलॉजी भी होगा, इसके अंदर ह्यूमन फिजियोलॉजी भी होगा, इसके अंदर सेल भी होगा, इसके अंदर सेल का डिवीजन भी होगा, इसके अंदर मॉर्फोलॉजी भी होगा, इसमें एनाटॉमी भी होगा बॉडी का, एनिमल का एज वेल एज प्लांट बॉडी का, एज वेल एज इंडिविजुअल जो होंगे उनकी डाइवर्सिटीज भी होगा कि लिविंग जो इंडिविजुअल्स हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उनकी डाइवर्सिटी भी होगा बेसिकली। तो 11th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आज हम इस वीडियो लेक्चर से डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास इज लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर फर्स्ट दैट इज लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर, इस लिविंग वर्ल्ड चैप्टर के अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे लिविंग के कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं ऑफ लिविंग। तो ये कैरेक्टर्स हम बताएंगे कि विच वन इज लिविंग इंडिविजुअल, विच वन इज नॉन लिविंग इंडिविजुअल। तो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं कि जो कि लिविंग शो करता है वो भी हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जब हम लिविंग के बारे में देख लेंगे कि इनको लिविंग बोलते हैं और इनको नॉन लिविंग बोलते हैं, देन डायवर्सिटी डिस्कस करेंगे, डायवर्सिटी ऑफ लिविंग, डायवर्सिटी ऑफ लिविंग, ऑफ लिविंग डायवर्सिटी जब हम फाइंड आउट करेंगे, देन क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग कि उन लिविंग्स को क्लासिफाई कैसे किया गया है, कैटेगराइज कैसे किया गया बेसिकली, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग, क्लासिफिकेशन के बाद कौन कौन से ऐसे एम हैं, कौन कौन से ऐसे एड्स हैं
जो कि क्या है उसको क्लासिफिकेशन में हेल्प करेंगे, उसे जो कि लिविंग के क्लासिफिकेशन में हेल्प करेंगे। दैट इज एड्स ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी मतलब उसको क्लासिफाई करने का जो स्टडी, दैट इज द टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के अंदर हमें फर्दर डिस्कस करना है कि करेक्टर्स क्या होंगे लिविंग के, डाइवर्सिटी क्या होगा लिविंग का, क्लासिफिकेशन क्या होगा लिविंग का, और एड्स ऑफ द टैक्सोनॉमी क्या क्या होंगे, बेसिकली कौन कौन सी कैटेगरीज होगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग वर्ल्ड जो है, हम जो पूरा जो वर्ल्ड है, हम अपने चारों साइड माउंटेन्स भी देखते हैं, ठीक है, रिवर्स भी है, ओशियन भी है, डेसिडियस फॉरेस्ट भी है, हॉर्सेस भी है, कैट भी है, बफेलो भी है बेसिकली, ठीक है, सैंड भी है, डेजर्ट भी है। तो इन सब में से कुछ लिविंग्स हैं, कुछ नॉन लिविंग्स हैं बेसिकली। तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि विच वन इज द लिविंग एंड विच वन इज द नॉन लिविंग, ठीक है। तो यहाँ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और एक और चीज की इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग बेसिकली, बिकॉज सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज शोन बाय द लिविंग इंडिविजुअल आर ऑल्सो शोन बाय द नॉन लिविंग बेसिकली। जैसे कि हम वायरस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो वायरस जो है उस वायरस को हम कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं लिविंग और नॉन लिविंग का। तो वो कंप्लीटली ना तो लिविंग है और ना कंप्लीटली वो नॉन लिविंग है, तो उसको कैसे डिस्टिंग्विश करें कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। फिर भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि लिविंग के थ्रू शोन किया जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग कि लिविंग जो है उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो लिविंग जो होंगे उनकी कुछ डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक जो है, दैट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, कॉन्सियसनेस, होमियोस्टेसिस, मेटाबॉलिकल और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके अलावा अडेप्टेशन भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अडेप्टेशन। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि किसी लिविंग इंडिविजुअल के थ्रू शो किया जाएगा, ठीक है। अब इनमें से कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी जो नॉन लिविंग के थ्रू भी शो किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो लिविंग और नॉन लिविंग शो कर देते हैं उनको तो बोलते हैं नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग के थ्रू किया जाएगा, दे आर द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज बेसिकली या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो इनके अलावा किसको मैं एक कंप्लीटली लिविंग बोलूं, ऐसे इंडिविजुअल जो कि शो करते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग, ठीक है। तो और नहीं, इंडिविजुअल विच शोज द सेल्फ इवॉल्विंग प्रॉपर्टी या रेप्लिकेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ इवॉल्विंग प्रॉपर्टी और सेल्फ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी, दे आर कंसिडर्ड एज द लिविंग, उनको हम कंप्लीटली बोल देंगे लिविंग इंडिविजुअल्स बेसिकली, ठीक है। तो सेल्फ रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे, दैट इज द सेल्फ रिप्रोडक्शन या सेल्फ फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का मतलब होता है डबलिंग, ठीक है, एक से दो का फॉर्मेशन बेसिकली, डबल कर लेना या कॉपी कर लेना अपने आप को, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन। दूसरे हैं सेल्फ इवॉल्विंग, जो अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सके,
that is self evolving basically and self regulating. Self regulating in the sense environment के अंदर, environment के according अपने अंदर वो changes कर ले, ठीक है. Regulating in the sense जैसे बाहर का temperature और body का internal temperature जो है, ठीक है, तो वो different है. आउटर टेम्परेचर जो भी है लेकिन इंटरनल टेम्परेचर जो है वो ह्यूमन इंडिविजुअल को मेंटेन करके चलता है, वो सेल्फ रेगुलेट करके चलता है बेसिकली, ठीक है, दैट इज सेल्फ रेगुलेटिंग. ठीक है, तो कोई भी करेक्टरिस्टिक्स हो बॉडी का, ठीक है, वो इंडिविजुअल्स अगर उसको रेगुलेट कर लेता है तो वो भी प्रॉपर्टी आएगा एक लिविंग का प्रॉपर्टी. तो ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी करेक्टरिस्टिक जो कि सेल्फ रेप्लिकेशन हो, सेल्फ रिवॉल्विंग हो, सेल्फ रेगुलेटिंग हो, दे आर कंसिडर्ड एज लिविंग इंडिविजुअल. इसके अलावा जो मेन प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टीज होंगी, दे आर द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस, होमियोस्टेसिस एंड अडेप्टेशन बेसिकली. ठीक है, तो वन बाय वन इन करेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स इज द ग्रोथ. ग्रोथ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लिविंग वर्ल्ड. लिविंग वर्ल्ड, ठीक है. तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक हम जहां डिस्कस करें दैट इज ग्रोथ. ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ का मीनिंग क्या है? एक इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट. अब चाहे वो बॉडी के हाइट का इंक्रीजमेंट हो, चाहे वो बॉडी के वेट का इंक्रीजमेंट हो, चाहे सेल के नंबर का इंक्रीजमेंट हो, चाहे साइज का इंक्रीजमेंट हो, चाहे उसकी विड्थ का इंक्रीजमेंट हो, चाहे उसका लेंथ का इंक्रीजमेंट हो, बट वो इरिवर्सिबल होना चाहिए. ठीक है, तो इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट इज कंसिडर्ड एज द ग्रोथ. उसको हम बोलते हैं क्या यहाँ पे? ग्रोथ बेसिकली. तो ग्रोथ जो है, इसका अगर पर्टिकुलर डेफिनेशन दे तो इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट, इंक्रीजमेंट इन हाइट, इन वेट इन मास इन नंबर इन लेंथ एक्सेट्रा. ठीक है, तो इनके अंदर अगर इनरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट हो रहा है दैट इज कंसीडर्ड एज ग्रोथ. ठीक है, अब डजंट मैटर कि वो माइक्रो में हो रहा है या डजंट मैटर कि वो लार्ज अमाउंट में या फिर लार्ज नंबर में या फिर वो लार्ज साइज में हो रहा है. ठीक है, तो लेकिन वो इंक्रीजमेंट होना चाहिए, वो इरिवर्सिबल होना चाहिए बेसिकली. ऐसा ना हो कि वो रिवर्सिबल हो. ठीक है, जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, वो एवरीडे ग्रोथ परफॉर्म कर रहा है और एवरीडे उसका जो ग्रोथ है वो 0.5 सेंटीमीटर का हो रहा है. ठीक है, तो 0.5 सेंटीमीटर का जो ग्रोथ है वो एवरीडे हो रहा है, तो 10 दिन बाद इसका ग्रोथ कितना आ जाएगा? ठीक है, दैट इज द ग्रोथ. ऐसा ना हो कि पहले दिन तो 5 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ है, सेकेंड डे वो 5 सेंटीमीटर डिक्रीज हो गया. ठीक है, तो वो ग्रोथ नहीं होगा, वहां पे क्या हो जाएगा? वो जीरो बेसिकली. ठीक है, तो ग्रोथ जो चाहे जितने का भी हो, ठीक है, बट वो इरिवर्सिबल होना चाहिए, वो इरिवर्सिबल इंक्रीज होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं क्या? ग्रोथ बेसिकली. अब लिविंग इंडिविजुअल जो है, यूनिसेलुलर इंडिविजुअल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी जो है वो सिंगल सेल का बना हुआ है, चाहे वो अमीबा है, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे प्रोटोजोअन्स है, ठीक है, तो ये यूनिसेलुलर जो इंडिविजुअल्स हैं, दे शो देयर ग्रोथ बाय द सेल डिवीजन. ये अपना ग्रोथ कैसे शो करते हैं? बाय सेल डिवीजन. शो देयर ग्रोथ, शो देयर ग्रोथ, ग्रोथ बाय सेल डिवीजन. सेल डिवीजन बेसिकली. ठीक है, दूसरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल ऑर्गेनिज्म
nails. Grows by cell division. Grows by cell division. वो भी कैसे ग्रोज करते हैं? सेल डिवीजन के बेसिस पे. ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर, हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स जो है, ठीक है, उनके अंदर रिप्रोडक्शन और ग्रोथ जो है वो एक एक्सक्लूसिव इवेंट है, वो एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है. ठीक है, वहां पे ग्रोथ अलग होता है और रिप्रोडक्शन अलग होता है. लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में अगर हम देखें, ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो एक ही प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो सेल डिवीजन से ही तो वो इंडिविजुअल्स अपने ग्रोथ परफॉर्म करते हैं और सेल डिवीजन से ही वो इंडिविजुअल जो होंगे वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं. तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हम ग्रोथ को और रिप्रोडक्शन को इंक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि वहां पे दोनों कैरेक्टरिस्टिक जो है एक से ही हो रहा है. ठीक है, रिप्रोडक्शन भी सेल डिवीजन से हो रहा है और उनका ग्रोथ भी सेल डिवीजन से ही हो रहा है बेसिकली. ठीक है, लेकिन प्लांट्स और एनिमल, हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स के केस में या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ अलग हो रहा है और रिप्रोडक्शन अलग हो रहा है. तो वहां पे हम इंक्लूसिव प्रॉपर्टी ना बोल के नहीं, वहां इस ग्रोथ को हम बोलते हैं या रिप्रोडक्शन को बोलते हैं एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी बेसिकली. ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर growth and reproduction are inclusive event a inclusive characteristic. जबकि multicellular plant और animals जो होंगे उनके केस में growth जो है या reproduction जो है वो क्या है, वो exclusive event है बेसिकली. In plants and animal, in higher plants and animals, growth and reproduction are exclusive event. Exclusive property. ध्यान रखना वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि कौन सा प्रॉपर्टी जो है एक्सक्लूसिव है और कौन सा प्रॉपर्टी जो है इंक्लूसिव है बेसिकली. ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन कैसे इवेंट है, वो इंक्लूसिव. जबकि हायर प्लांट्स और एनिमल्स के केस में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव इवेंट है बेसिकली. ठीक है, जैसा कि होता है कि ग्रोथ का मीनिंग क्या है, वो इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट है, वो बढ़ना चाहिए. डजंट मैटर कि वो 0.1 ग्रोथ हो रहा है, डजंट मैटर कि वो 5 सेंटीमीटर पर ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इरिवर्सिबल इंक्रीजमेंट को हम बोल रहे हैं या क्या ग्रोथ, रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए. अब ग्रोथ जो है हम देख रहे हैं कि लिविंग इंडिविजुअल शो कर रहा है, चाहे यूनिसेलुलर लिविंग है या फिर वो मल्टीसेलुलर लिविंग इंडिविजुअल है. इसके अलावा सैंडमॉन जो होते हैं, बोल्डर्स जो होते हैं, या उड जो होती है, ठीक है, या पेबल्स जो होते हैं, ठीक है, ये भी ग्रोथ शो करते हैं. सपोज एक उड है, ये एक पीस है. जब मैंने ये जब ड्राई था, ड्राई तो इसका मैंने मेजरमेंट किया, इसका जब मैंने लेंथ लिया तो 10 सेंटीमीटर का था, ये 10 सेंटीमीटर का था. इस उड़ को या इस पीस ऑफ उड़ को मैंने क्या किया, वाटर के अंदर डाल दिया, ये वाटर के अंदर डाल दिया. तो आफ्टर सम टाइम मैंने जब इसका फिर से मेजरमेंट लिया तो दिस बिकम 12 सेंटीमीटर. ये कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ग्रोथ या इंक्रीजमेंट तो इस उड़ की टुकड़ी का भी हुआ है, ठीक है, वो पीस ऑफ उड का भी ग्रोथ हुआ है, उसका भी इंक्रीजमेंट हुआ है. तो क्या मैं इसको लिविंग बोलूंगा,
दूसरा थिंग कि मैं एक कॉर्नर में बैठ के नहीं, कुछ पेबल्स हैं उनको वन बाय वन एक एक साइड में फेंकता जा रहा हूँ, तो वो क्या एक्यूमुलेट होता जा रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, और वो हीप बना रहा है किसी तरह, ठीक है। तो वो जो हीप बनता जा रहा है उसका भी तो ग्रोथ हो रहा है, उसका भी तो इंक्रीजमेंट हो रहा है साइज का, तो क्या उसको मैं लिविंग प्रॉपर्टी बोलूँ वहां पे, या उन सैंड के हीप को या फिर उन पेबल्स के हीप को मैं क्या लिविंग बोलूँ। वैसा ही जो सैंड मॉल्ड होते हैं डेजर्ट के अंदर, सैंड डून जो होते हैं, ठीक है, तो जैसे जैसे सैंड उनके ऊपर आती जाती है, सैंड के पार्टिकल्स उसके ऊपर गिरते जाते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, ठीक है, तो उनका साइज भी बढ़ता जाता है, उनका अगर साइज बढ़ा तो क्या उन सैंड डून्स को मैं या उन सैंड मॉन्स को मैं लिविंग प्रॉपर्टी बोल सकता हूँ, नहीं, या उन इंडिविजुअल्स को लिविंग बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता बेसिकली, ठीक है। तो जो ग्रोथ है मैं उसको एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, रीजन क्या है उसके पीछे कि जो ग्रोथ है उसको लिविंग भी शो कर रहा है और उस ग्रोथ को नॉन लिविंग इंडिविजुअल भी शो कर रहा है बेसिकली, दैट्स व्हाई द ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग इंडिविजुअल। हम इस वजह से ग्रोथ को क्या है एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कंसिडर नहीं करते बेसिकली, क्यों, रीजन, रीजन इज बिकॉज इट इज शोन बाय बोथ इंडिविजुअल, बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बेसिकली, ठीक है। तो ग्रोथ इज ऑल्सो शोन बाय ग्रोथ ऑल्सो शोन बाय ऑल्सो शोन बाय नॉन लिविंग लिविंग लाइक माउंटेन सैंड मॉल्ड बोल्डर्स पीस ऑफ वुड एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये भी उस ग्रोथ को शो कर रहे बेसिकली, तो दैट्स व्हाई दिस ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग इंडिविजुअल। इस वजह से हम उसको क्या है एक एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी और एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते बेसिकली, ठीक है। ग्रोथ ऑल्सो शोन बाय द नॉन लिविंग लाइक माउंटेन सैंड मॉन बोल्डर पीस ऑफ वुड एक्सेट्रा। सो ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, वो एक ऐसा है नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बेसिकली, हम इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, क्यों, क्यों नहीं बोल सकते, रीजन क्या है उसके पीछे, क्योंकि ग्रोथ जो है वो लिविंग के थ्रू भी शो हो रहा है और वो नॉन लिविंग के थ्रू भी शो हो रहा है बेसिकली। तो लिविंग के थ्रू किस टाइप से ग्रोथ हो रहा है और नॉन लिविंग के थ्रू किस टाइप से ग्रोथ हो रहा है वो भी थोड़ा माइंड में आना चाहिए, कि अगर सरफेस से एक्यूमुलेशन के बेसिस पे ग्रोथ हो रहा है, एक्यूमुलेशन इन द सेंस वन बाय वन उसके ऊपर गैदरिंग होता जा रहा पार्टिकल्स का, ठीक है, तब तो हम उसको बोलते हैं ग्रोथ इन नॉन लिविंग, ठीक है, या ग्रोथ जो प्रॉपर्टी नॉन लिविंग के अंदर, जबकि लिविंग के अंदर जो ग्रोथ है वो इंटरनल ग्रोथ होता है, इनर साइड से सेल का नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है, तो इनर ग्रोथ इज द लिविंग प्रॉपर्टी, जबकि ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन इज नॉन लिविंग प्रॉपर्टी बेसिकली, ठीक है। तो दिस वॉज द ग्रोथ, ध्यान रखना कि ग्रोथ जो है वो लिविंग भी शो कर रहा है, ग्रोथ जो है नॉन लिविंग भी शो कर रहा है बेसिकली, ठीक है। इसी वजह से हम ग्रोथ को ग्रोथ कांट बी कंसीडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और इट इज कंसीडर्ड एज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इस स्टेटमेंट को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, सो ग्रोथ कांट बी कंसीडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बेसिकली, ठीक है। तो हमें बताने कि एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन को हमें इस टाइप से पढ़ना है कि वहां से कैसे ही वो क्वेश्चंस को बना दे, हम उसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं।
ठीक है, तो इसी स्टेटमेंट वैसे बोल सकता है ग्रोथ इज द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, या इसको बोल सकता है ग्रोथ कांट बी कंसीडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बेसिकली। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी जो है लिविंग का, दैट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सेकंड प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है री प्लस प्रोडक्शन इन द सेंस लिविंग का अगेन फॉर्मेशन, ठीक है, पेरेंट्स के थ्रू दैट इज द रिप्रोडक्शन। री मतलब अगेन, अगेन प्रोडक्शन इन द सेंस फॉर्मेशन, फॉर्मेशन इन द सेंस पेरेंट्स के थ्रू न्यू या लिविंग का या ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन इज नोन एज द रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू बर्न, न्यू बर्न बाय देयर पेरेंट्स, बाय देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के थ्रू बेसिकली, उसको हम बोलते हैं क्या, रिप्रोडक्शन। दूसरा, इस डेफिनेशन को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज बायोलॉजिकल फिनोमेना। रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज द बायोलॉजिकल फिनोमेना बाय विच या इन विच पेरेंट्स इंडिविजुअल गिव राइज देयर न्यू वन, दे मे बी सिमिलर और दे मे बी डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स, इट इज रिप्रोडक्शन क्या है, इट इज बायोलॉजिकल फिनोमेना, बायोलॉजिकल फिनोमेना, फिनोमेना इन विच पेरेंट्स गिव राइज देयर न्यू वन। अब न्यू वन जो होंगे यहां पे, दिस न्यू वन इज कंसीडर्ड एज द प्रोजनी, ठीक है, और ऑफस्प्रिंग, न्यू वन कंसीडर्ड एज प्रोजनी, उनको हम प्रोजनी भी बोल सकते हैं न्यू वन को, और ऑफस्प्रिंग्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या यहां पे, रिप्रोडक्शन। तो ध्यान रखना रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन बाय देयर पेरेंट। अब न्यू वन का जो फॉर्मेशन हुआ है उनको हम कंसीडर कर रहा है ऑफस्प्रिंग और प्रोजनी। अब ये ऑफस्प्रिंग और प्रोजनी जो है दे मे बी सिमिलर टू देयर पेरेंट और दे मे बी डिसिमिलर टू देयर पेरेंट, डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। वो रिप्रोडक्शन के टाइप के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुए, अगर प्रोजनी एसेक्सुअली प्रोड्यूस हुआ है तो द प्रोजनीज और ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, बट इफ दीज प्रोजनीज और ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देन दे विल बी डिसिमिलर टू देयर पेरेंट्स, उनके अंदर वेरिएशन हमें मिलेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये जो रिप्रोडक्शन, आई थिंक डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा रिप्रोडक्शन होता क्या है बेसिकली। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन दो टाइप्स का होगा, अगर इसका टाइप्स हम डिस्कस करें दो टाइप्स, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का टाइप्स अगर देखें तो यहां दो टाइप से रिप्रोड्यूस होंगे और अरेंज होंगे, वन इज एसेक्सुअल, एसेक्सुअल, अनदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल। ठीक है, एक तो क्या है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है एसेक्सुअल इन द सेंस रिप्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग द सेक्सेस, बिना सेक्स के, बिना मेल फीमेल के इन्वॉल्व हुए बिना ही अगर रिप्रोडक्शन या फॉर्मेशन हो जाता है न्यू वन का, उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ध्यान रखना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोजनीज बनेगा दे आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट के एक जैसा ही होगा, मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज जेनेटिकल, इन द सेंस देखने में वो तो हम बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल,
जेनेटिकल का मतलब उनका जेनेटिक जो मटेरियल होगा दैट इज डीएनए, ठीक है, और आरएनए, ठीक है, तो वो भी एक दूसरे के सिमिलर होगा। प्रोजनी का जो जेनेटिक मटेरियल और मॉर्फोलॉजिकल जो जो प्रॉपर्टी है वो कैसा होगा, पेरेंट्स में सिमिलर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनका कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोडक्शन या फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन रिप्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग द सेक्सेस विदाउट इन्वॉल्विंग द सेक्सेस विदाउट इन्वॉल्विंग द सेक्सेस इन द सेंस मेल और फीमेल, मेल और फीमेल बेसिकली। दूसरा द न्यू बर्न फॉर्म बाय दिस सेक्सुअल दिस रिप्रोडक्शन आर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स हेयर ऑफस्प्रिंग और प्रोजनी, ऑफस्प्रिंग और प्रोजनी, प्रोजनी आर मॉर्फोलॉजिकल एज वेल एज जेनेटिकल सिमिलर टू देयर पेरेंट, सिमिलर टू देयर पेरेंट, वो अपने पेरेंट के सिमिलर हो गए, सिमिलर टू देयर पेरेंट। सच प्रोजनीज आर कंसिडर्ड एज द क्लोन, उनको हम बोलते हैं क्या, क्लोन बेसिकली, ठीक है। तो क्लोन जो होगा वो अपने पेरेंट के जैसा ही होगा जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली, उनका जेनेटिक मटेरियल भी पेरेंट के जैसा होगा और वो देखने में भी पेरेंट के जैसे ही होंगे, ठीक है। तो द ऑफस्प्रिंग और प्रोजनीज आर मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली सिमिलर टू देयर प्रोजनी पेरेंट्स बेसिकली। सच ऑफस्प्रिंग, सच ऑफस्प्रिंग आर नोन एज ध्यान रखना इसको इस टर्म को दैट इज क्लोन। तो पूछता है वो कई बार की क्लोन होते क्या बेसिकली, ठीक है। तो क्लोन्स क्या होते हैं, प्रोजनी दैट आर जेनेटिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बेसिकली, ठीक है। तो प्रोजनी ये क्लोन्स जो होंगे वो कब किससे डेवलप होंगे, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब बात आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो प्रोजनी डेवलप हो रहा है उनको क्लोन क्यों बोला गया है, उसके रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है वो माइटोटिक डिवीजन के बेसिस पे हो रहा है और माइटोटिक जो डिवीजन है, ठीक है, उस वो इक्वेशनल डिवीजन है, वहां किसी टाइप से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस नहीं होता। इन द सेंस वहां पेरेंट्स के जो डीएनए जो होते हैं वो रिकम्बाइन नहीं होते, ठीक है। तो एज इट इज ही वो प्रोजनीज के पास चले जाते हैं मल्टीप्लाइड होने के बाद, एज इट इज डीएनए की कॉपी जो है वो अपने प्रोजनीज के पास चले जाते हैं पेरेंट्स से बेसिकली। इस वजह से वहां पेरेंट्स और जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो सिमिलर देखते हैं, तो वहां उनका जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली वो पेरेंट्स के सिमिलर ही दिखते हैं बेसिकली, ठीक है। दूसरा थिंग कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर किसी टाइप से कोई जेनेटिक वेरिएशन डेवलप नहीं होगा, ठीक है। नो जेनेटिक वेरिएशन विल डेवलप, नो जेनेटिक वेरिएशन डेवलप इन इन प्रोजनी, उन प्रोजनीज के अंदर किसी टाइप से कोई जेनेटिक वेरिएशंस नहीं आएंगे। उसके अंदर आपको मॉर्फोलॉजिकल एनवायरमेंटल वेरिएशंस तो मिल जाएगा लेकिन किसी टाइप से जेनेटिक वेरिएशंस नहीं मिलेगा, ठीक है। बात आता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड्स है कैसे कैसे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है या कैसे कैसे न्यू वन का फॉर्मेशन हो सकता है बाय एसेक्सुअल। तो यहाँ एसेक्सुअल जो है वो बाइनरी फिजन के थ्रू भी हो सकता है, इन द सेंस इंडिविजुअल जो उस बॉडी जो है वो दो में डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो वो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं फिजन। मेथड्स जो है मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स, तो मेथड्स के अंदर फिजन
फिजन का मतलब है बॉडी अगर टू में डिवाइड हो जाता है, डिवीजन ऑफ बॉडी, डिवीजन ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी का डिवीजन टू के अंदर हो जाता है या मोर देन टू के अंदर हो जाता है तो उस फेनोमेना को हम बोलते हैं फिजन बेसिकली, ठीक है, डिवीजन बॉडी इन टू और मोर देन टू, मोर देन टू, तो अगर टू के अंदर हो रहा है तो उसको तो बोलते हैं बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन, और मोर देन टू के अंदर अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम मल्टी फिजन, मल्टी फिजन, फिजन इसीलिए, ठीक है। तो फिजन फिनोमेना जो होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इट इज सोन बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेन, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेन होंगे वो उस फिनोमेना को शो करते हैं बेसिकली बाइनरी फिजन में। तो कौन कौन शो कर रहा है, एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, बैक्टीरिया, इसके अलावा प्लाज्मोडियम, ठीक है। दूसरा जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, एल्गीज और फंगस जो होंगे, ठीक है, वो एसेक्सुअली स्पोर का फॉर्मेशन परफॉर्म करता है। और एसेक्सुअली स्पोर का मीनिंग क्या है, ठीक है, दे आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स विच एबल टू गिव राइज द न्यू वन, वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं जो कि नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकती है, उनको हम बोलते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पोर का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो माइटोटिक डिवीजन से हो रहा है। और बताया ना कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसके अंदर पूरे में माइटोटिक डिवीजन होंगे, उसके अंदर मियोसिस डिवीजन नहीं होंगे, ठीक है। तो स्पोर फॉर्मेशन इज शोन बाय द एल्गीज एंड फंगस, जो फंगस होंगी ना उनके थ्रू सो, ठीक। तो स्पोर फॉर्मेशन का मैं आपको एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बता देगा कैसे वो स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पोर्स का मीनिंग क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट, यूनिट्स, ठीक है, एबल टू गिव राइज, विच एबल टू गिव राइज न्यू वन, विच एबल टू गिव राइज न्यू वन, जो कि नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर सकती है, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पोर्स बेसिकली, ठीक है। तो फंगस के केस में मैं एक स्पोर फॉर्मेशन का तरीका बता रहा हूं, इन फंगस, इन फंगस बेसिकली। वैसे तो इन मेथड्स को हम फर्दर चैप्टर्स के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे, यहां जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन है इनका, ठीक है। ये एक फंगस है, इस फंगस के अंदर इसका एक न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस जो है वो माइटोटिक डिवीजन लेता है, वो माइटोटिक डिवीजन लेके नहीं डॉटर न्यूक्लियाई बनाएगा, इट टेक माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म द डॉटर न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, न्यूक्लियस टेक माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक
division to form daughter nuclei. Daughter nuclei. वो क्या बना रहा है? Daughter nuclei. ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में ये डॉटर न्यूक्लियाई जो होंगे दे आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय बॉल फॉर्मेशन बेसिकली. डॉटर न्यूक्लियाई, ये डॉटर न्यूक्लियाई है, दे आर सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म. इन द सेंस इसके चारों साइड साइटोप्लाज्म सराउंडेड हो जाएगा और उनके ऊपर बॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा. बॉल फॉर्मेशन, ये उन पर बॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, मैं लिख देता हूं डॉटर न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई सराउंडेड बाय बाय साइटोप्लाज्म फॉलोड बाय बॉल फॉर्मेशन फॉलोड बाय वॉल फॉर्मेशन वॉल. ठीक है, जब ऐसा हो जाएगा कि वो न्यूक्लियस जो डॉटर न्यूक्लियस हो वो सराउंडेड हो जाएंगे साइटोप्लाज्म से और उनके ऊपर वॉल का फॉर्मेशन जब हो जाएगा देन दे कंसीडर्ड एज द स्पोर. तब हम इसको बोल देंगे क्या? स्पोर्स. बेसिकली स्पोर्स. ठीक है, अच्छा एक और चीज कि जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है ठीक है जिनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है इसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया. स्पोरेंजिया. ठीक है, मैं आपको इसका डेफिनेशन लिख देता हूं. बैग लाइक स्ट्रक्चर लाइक स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स आर डेवलप या फॉर्म इन विच स्पोर्स आर डेवलप जिसके अंदर स्पोर्स डेवलप हुआ उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम बोले क्या? स्पोरेंजिया. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि स्पोरेंजिया बस्ट होने के बाद वहां से स्पोर्स रिलीज हो जाएगा और स्पोर्स जर्मिनेट होकर न्यू वन का फॉर्मेशन करेगा. ठीक है, दैट इज बस्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया. नेक्स्ट स्टेप के अंदर बस्टिंग बस्टिंग ऑफ स्पोरेंजिया. कॉजेज रिलीज ऑफ स्पोर. कॉजेज रिलीज ऑफ स्पोर्स. वहां से स्पोर्स को रिलीज कर, तो जैसे ही वहां से स्पोर्स होगा रिलीज होगा तो स्पोर्स रिलीज होने के बाद दे जर्मिनेट टू फॉर्म द न्यू वन. वो जर्मिनेट हो जाएंगे और न्यू वन का फॉर्मेशन परफॉर्म करेंगे. दे आर स्पोर्स, दे आर रिलीज्ड स्पोर. तो ये स्पोर्स जो होंगे दे जर्मिनेट, स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू वन. टू फॉर्म न्यू वन बेसिकली न्यू वन वो जर्मिनेट होके नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन परफॉर्म कर देंगे बेसिकली न्यू वन. दे आर द न्यू वन. ठीक है, तो फंगस जो होती है वो फंगस और एल्गी जो होगी वो इस स्पोर फॉर्मेशन मेथड्स को यूटिलाइज करती है बेसिकली. ठीक है, नेक्स्ट मेथड जो है दैट इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन और फ्रेगमेंटेशन में कैसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस फॉर्म होता है रिप्रोड्यूस करता है बेसिकली. फ्रेगमेंटेशन जो होगा उसमें बॉडी जो होगा वो ब्रेक हो रहा है डिफरेंट फ्रेगमेंट्स के अंदर. ठीक है, तो हर एक फ्रेगमेंट जो होगा इट विल गिव राइज द न्यू वन.
ध्यान रखना, इट इज डिफर फ्रॉम द फिजन। फिजन में बॉडी डिवाइड हो रहा था दो और मोर देन टू के अंदर, ठीक है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन मेथड के अंदर बॉडी ब्रेक हो रहा है, ठीक है, टू और मोर देन टू इंडिविजुअल्स के अंदर। और एवरी फ्रेगमेंट जो ब्रेक हुआ है, ब्रेक होने के बाद एवरी फ्रेगमेंट विल गिव राइज द न्यू वन, वो नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करता है बेसिकली। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही तरीका है, ठीक है। इन दिस मेथड, इन दिस मेथड पेरेंट बॉडी बॉडी ब्रेक इन डिफरेंट फ्रेगमेंट बेसिकली फ्रेगमेंट, each fragment will give rise new one, ठीक है, वो क्या होगा, न्यू वन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो कौन शो करेगा, इट इज ऑल्सो फॉर्म बाय द फंगस। एग्जाम्पल कौन शो करता है इनको, फंगस एंड स्पायरोगायरा, वो भी इस मेथड को शो करता है बेसिकली, फ्रेगमेंटेशन जो मेथड होगा, ठीक है। अब यूनिसेलुलर जो ऑर्गेन्स हो गए और मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स हो गए, उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन के जो तरीके हैं, दे आर द बाइनरी फिजन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन एज वेल एज स्पोर फॉर्मेशन बेसिकली, उनके थ्रू वो नए वंश का फॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स के अंदर बताया था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है, जबकि प्लांट्स और एनिमल के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सक्लूसिव इवेंट है बेसिकली, ठीक है। तो ये तो था क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जब बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से वहां को होता है प्रोजेनिस के अंदर वेरिएशन आता है, इसी वजह से जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो प्रोजेनिस फॉर्म होता है, ठीक है, दे आर डिसिमिलर टू देयर पेरेंट, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली अपने पेरेंट के सिमिलर नहीं होते, ठीक है, उनके अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस आते हैं। तो हमारे रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे न्यू वन का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो मियोसिस डिवीजन हो रहा है, और मियोसिस डिवीजन जो होता है वो एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, और वहां जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, इन द सेंस डीएनए रिकम्बाइन करता है, मदर फादर के जो डीएनए होते हैं वो रिकम्बाइन करके न्यू फॉर्म करता है, और वो न्यू रिकम्बाइन जो डीएनए होगा वो प्रोजनी के पास जाता है। तो प्रोजनी का जो डीएनए होगा और पेरेंट्स का जो डीएनए होगा, उनके जेनेटिक सीक्वेंस जो होंगे वो सिमिलर नहीं होंगे, इसी वजह से प्रोजनी और पेरेंट्स के अंदर वो डिफरेंस देखने को मिलता है बेसिकली, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अगर बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, द सेंस रिप्रोडक्शन बाय इन्वॉल्विंग द सेक्सेस, फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन, of new one by involving the sexes, by involving the sexes, अब उसमें एक तो मेल होगा और एक फीमेल होगा, वैसे वन इज मेल अनदर इज फीमेल, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशन विल अकर इनसाइड इन द प्रोजेनी, जेनेटिक वेरिएशन variations develop in progeny basically, develops in progeny, in progeny, उन progeny के अंदर can be genetic variations आएगी basically, ठीक है। दूसरा, यहां unicellular जो organism हो गए, in unicellular organism, in
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर इंक्लूसिव इवेंट, आर इंक्लूसिव इवेंट्स और प्रॉपर्टी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है ना, इनके केस में सेल प्रोसेस को सेल डिवीजन से ही होता है, तो सेल डिवीजन से ही तो वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, सेल डिवीजन से ही वो ग्रोथ परफॉर्म कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो यहां ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो है, बात आता है कि जो स्टेराइल पर्सन है, जो स्टेराइल पर्सन है बेसिकली, इन द सेंस इनफर्टाइल कपल जो है, जैसे हनी बी का केस हम देखते हैं, ठीक है, ऐसे म्यूल का केस जो देखते हैं, अब वो तो इंडिविजुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते, ठीक है, तो इनफर्टाइल कपल रिप्रोड्यूस नहीं करते, तो क्या हम उनको नॉन लिविंग बोल सकते हैं? जब आप कंसिडर कर रहे हो कि सर रिप्रोडक्शन तो लिविंग का प्रॉपर्टी है, ठीक है, लेकिन वो स्टेराइल जो वर्कर्स भी है, हनी बी जो है, ठीक है, तो वो तो रिप्रोड्यूस नहीं करते, ऐसे ही म्यूल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, इनफर्टाइल कपल जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है, जबकि लिविंग तो वो भी है, तो क्या हम वो रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते, तो क्या हम उनको नॉन लिविंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते बेसिकली। तो यहां पे इस वजह से इस रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ म्यूल इनफर्टाइल कपल, इनफर्टाइल कपल आने भी रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट, रिप्रोडक्शन will not occur, will not occur, उनके अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता बेसिकली। सो रिप्रोडक्शन कांट बी कंसिडर्ड एज, सो द रिप्रोडक्शन कांट बी कंसिडर्ड एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बेसिकली। सो रिप्रोडक्शन can't be considered as defining property, as defining property, property। इसी वजह से हम इसको defining property भी नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि वहां पे living जो है वो reproduction perform कर रहा है, ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सारे लिविंग्स के अंदर reproduction बेसिकली, ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यहां पर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेटाबॉलिज्म, कॉन्सियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अडेप्टेशंस, होमियोस्टेसिस, कॉन्सियसनेस, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेगा। थैंक यू।